अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल अब तक के बेस्ट आयो माने जाते हैं बॉलीवुड में, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ज्यादा एंटरटेन किया है और तो और काफी हंसाया है। अगर मैं उनकी फिल्मों की बात करूं, जैसे कि मोहरा, हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना, फिर हेरा फेरी और दे धनाधन। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फिल्म हेरा फेरी की। क्या कुछ इसका कलेक्शन था, क्या कुछ बजट था, मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। 31 मार्च 2000 में आती है फिल्म, प्रियदर्शन लेके आती है फिल्म और साथ ही साथ इसमें हमें ट्रायो दिखता है अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल का एज अ श्याम, राजू और बाबू भैया। काफी ज्यादा मजा आता है ये फिल्म देखने को और अब तक कहीं ना कहीं मीम्स भी बनते हैं इस फिल्म को लेकर, और साथ ही साथ जो डायलॉग्स होते हैं, जो कॉमेडी होती है और कॉमिक टाइमिंग जो होता है, काफी बेस्ट रहा है इस फिल्म का अब तक का, और ये फिल्म कल्ट क्लासिक मानी जाती है। मैं बात करूंगी अब इस फिल्म का बजट का, तो फिल्म का बजट 7.5 करोड़ का था और साथ ही साथ इंडिया में इस फिल्म ने 13 करोड़ का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड 22 करोड़ की कमाई हुई थी इस फिल्म की। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहूंगी इस फिल्म को लेकर, जैसे कि ये फिल्म रीमेक है, मलयालम फिल्म का रीमेक, रामजी राव स्पीकिंग, और इसी फिल्म को लेकर ये फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म में जो कैरेक्टर है अनुराधा का, हम देखते हैं तबू प्ले करती है, लेकिन इसके लिए पहले साइन किया गया था करिश्मा कपूर को, लेकिन कुछ रीजन की वजह से वो इस फिल्म से निकल जाती है और ये रोल मिलता है तबू को। सुनील शेट्टी का तो कैरेक्टर आपको डेफिनेटली याद होगा, जो शाम होता है, बहुत ज्यादा इनोसेंट होता है, बहुत भोला होता है और कैसे राजू के बात में आ जाता है, हम सब जानते हैं। लेकिन ये कैरेक्टर पहले प्ले करने वाले थे संजय दत्त, लेकिन उस टाइम पे कहीं ना कहीं हाजिरी देनी होती थी संजय दत्त को जेल में, और हम सबको पता है वो केस चल रहा था उनके ऊपर, तो उसके चलते वो सिर्फ और सिर्फ जो नाइट के शूट होते हैं वही कर पाते थे, लेकिन जिसके चलते उन्हें डे शूट भी करना होता था, तो डायरेक्टर जो है उन्होंने डिसाइड किया कि संजय दत्त ये फिल्म नहीं करेंगे। और ये फिल्म कहीं ना कहीं, और अगर बात की जाए तो संजय दत्त रेकमेंड करते हैं कि वो सुनील शेट्टी को ले इस कैरेक्टर के, और ये कैरेक्टर जाता है सुनील शेट्टी के पास। बात करना चाहूंगी अब मैं हमारे जो बाबू भैया हैं, यानी के बाबू राव गणपत राव आप्टे, ये कैरेक्टर अब तक की आइकॉनिक मानी जाती है, जैसे कि गब्बर सिंह, कोई भी कैरेक्टर जो आइकॉनिक कैरेक्टर है, कहीं ना कहीं ये भी एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया है परेश रावल ने अपने परफॉर्मेंस से, और जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया था ऑडियंस ने, जिसके चलते उन्होंने सोच लिया कि अब से वो कॉमेडी कैरेक्टर ही करेंगे, क्योंकि 80s और 90s में उन्होंने बहुत ज्यादा नेगेटिव रोल्स कर लिए थे, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं परेशान हो गए थे बहुत ज्यादा नेगेटिव करते करते, तो जब ऑडियंस ने उन्हें एक्सेप्ट किया इस कैरेक्टर में, तब से उन्होंने सोच लिया अब तो मैं कॉमेडी फिल्म ही करूंगा। अब मैं बात करना चाहूंगी अक्षय कुमार की, यानी जो राजू हमारे इस फिल्म के अंदर है उनकी बात करना चाहूंगी। 1999 में उनकी फिल्म आई थी जानवर और संघर्ष, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाती थी और कहीं ना कहीं वो उनका जो करियर था वो थोड़ा डाउन चल रहा था, लेकिन इस फिल्म यानी कि हेरा फेरी ने उनके करियर में एक टर्निंग पॉइंट लाया। जो कैरेक्टर था राजू ने काफी ज्यादा लोगों को पसंद आया, और कहीं ना कहीं ये फर्स्ट फिल्म है उनकी एज अ कॉमेडी फिल्म, पहली फिल्म है, और जिसके चलते कहीं ना कहीं उन्हें एक अलग पहचान मिली इस इंडस्ट्री में। हेरा फेरी को इतना पसंद किया गया, इतना सक्सेसफुल रहा कि लोगों को चाहिए था कि उसका नेक्स्ट पार्ट भी आए, जैसे आया भी फिर हेरा फेरी, जिसे डायरेक्ट किया था नीरज वोरा ने, 2006 में आई थी और उस फिल्म को भी लोगों ने पसंद किया था, लेकिन उतना नहीं जितना पहले को पसंद किया था, यानी कि हेरा फेरी को। अब लोगों को इंतजार है हेरा फेरी 3 का, जो कि कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि 2021 में आएगी ये फिल्म, और लोगों को बेसब्री से इंतजार है। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कितना इंतजार कर रहे हैं आप हेरा फेरी 3 का, और साथ ही साथ आपको जो ट्रायो है अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल, ये ट्रायो आपको कैसा लगता है, कितना मजा आता है इनको साथ में देख के, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और हेरा फेरी आपको कैसी लगी थी वो भी मुझे बताइए, और देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई ऐसे ही गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए।